दोस्तों, अगर आप न्यू यंग जनरेशन से हैं तो आपको तो याद ही होगा 15-20 साल पहले का वो दौर जब हमारे पास मनोरंजन के नाम पर कुछ होता था, तो वो था ये डब्बे वाला टीवी। जी हाँ, जिस बेचारे पर दादा दादी के फेवरेट रामायण से लेकर मम्मी के सास बहु वाले सीरियल तक और पापा के समाचार से लेकर बड़े भाई के क्रिकेट तक सबकी जिम्मेदारी होती थी, और इसके बीच ही अक्सर कुर्बान हो जाता था हम बच्चों का फेवरेट टीवी सीरियल। जिसका नतीजा ये हुआ कि हमने बचपन में ये सीरियल्स चाहे जितने भी देखे हों, लेकिन फिर भी हमें इन सीरियल्स की कहानी का पता नहीं होता था। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी उन्हीं यादों को फिर से ताज़ा करने वाले हैं। इनकी पूरी कहानी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर में इन सीरियल्स की एंडिंग कैसे हुई थी। तो चलिए बिना देर किए आपको ले चलते हैं बचपन के सुहाने सफर पर। वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका यूनिक फेस में। शुरुआत करते हैं हमारे बचपन के सबसे हॉरर शो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से। दोस्तों, आपको ये नटी गप्पू और उनके दोस्त तो याद ही होंगे। अब शायद आपको ये सोचकर हंसी आए कि हम बचपन में इस गप्पू से भी डरते थे। खैर, अब बात करते हैं इस सीरियल की कहानी की। तो आपको याद होगा कि ये पूरा सीरियल अच्छा भूत वर्सेस बुरा भूत पर आधारित था, यानी नॉटी बनाम गप्पू। दरअसल नटवर लाल बिहारी यानी नटी एक भूत होता है जो शहर में वड़ा पाव बेचता है, और तभी उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं जिन्हें शुरुआत में नटी के भूत होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और सच्चाई जानने पर वो नटी से दूरी बनाने लगते हैं। जब नटवर लाल उनको विश्वास दिलाता है कि वो बाकी भूत जैसा नहीं है, तो फिर से उनकी दोस्ती हो जाती है। नटी को अपनी मुक्ति के लिए 100 अच्छे काम करने होते हैं, जिसके लिए नटवर लाल अपनी नानी को भी बार बार याद करता है, और बुरा भूत गप्पू नटी को अच्छे काम करने से रोकता है, और साथ ही उनके दोस्तों को भी काफी परेशान करता है। वो चाहता है कि नटी जैसा शक्तिशाली भूत उसके ग्रुप में आकर उसका गुलाम बन जाए। लेकिन जैसा कि अंत तो प्रेडिक्टेबल होता है ना, कि बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, इस सीरियल के आखिरी में नटी का 100वां अच्छा काम पूरा होता है, जिससे गप्पू का अंत हो जाता है, जिससे नटी को धरती पर से मुक्ति मिल जाती है। चूंकि कहानी अपने आप में कंप्लीट थी, इसीलिए ये सीरियल कुल 110 एपिसोड्स में खत्म हो गया। इसके पहली बार टेलीकास्ट का समय 31 अक्टूबर से 21 दिसंबर था, जिसे कई बार रीटेलीकास्ट किया गया था। आप में से अधिकतर लोगों ने इसे रीटेलीकास्ट में ही देखा होगा। इस सीरियल में भूतों के मरने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पहले ही मरे होते हैं। फिर गप्पू का अंत कैसे होता है, ये काफी दिलचस्प मिस्ट्री है। दोस्तों, अब आपको हम ले चलते हैं भूतों की दुनिया से परियों के शहर में। बात करते हैं हमारे बचपन के एक और सबसे पसंदीदा सीरियल्स में से एक, सोन परी की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सीरियल परियों पर आधारित था, जिसकी शुरुआत होती है फ्रूटी नाम की एक मासूम लड़की से, जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे उनकी जिंदगी बेरंग बन चुकी है। तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है सोन परी और उसके साथी अल्तू की, जो उसके साथ ही रहते हैं और पूरी तरह से उसका ख्याल रखते हैं, साथ ही काली परी से भी उसकी रक्षा करते हैं। इस कहानी में समय समय पर अलग अलग विलेंस आते रहते हैं, जिसे आपने भी खूब एंजॉय किया होगा। अब बात करते हैं सोन परी और आखिरी एपिसोड की। तो आखिर में विलेन जर्राक फ्रूटी को मारने की कई कोशिश करके थक चुका होता है, क्योंकि सोन परी का दिया हुआ रक्षा कवच उसकी रक्षा कर रहा होता है। तब जर्राक अल्तू के शरीर में प्रवेश करके उसे धोखे से मारना चाहता है, लेकिन इसमें छुपा होता है एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट। दरअसल फ्रूटी के रूप में सोन परी ही होती है। फिर क्या था, बेचारा जर्राक गलती से भिड़ जाता है और सोन परी उसका खात्मा कर देती है, और फ्रूटी के जन्मदिन मनाने के बाद सोन परी बुराई से लड़ते रहने की सीख देकर अपनी दुनिया में लौट जाती है, और इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ये सीरियल 23 नवंबर 2000 से 10 दिसंबर 2004 तक 268 एपिसोड्स में चला था। दोस्तों, आपकी बचपन की यादों में हातिम की तलवार और होबो के ये कान शुमार तो होंगे ही। तो अब हम बात करने वाले हैं हातिम सीरियल की कहानी के बारे में। तो कहानी में यमन के राजा के घर हातिम का जन्म होने के साथ ही जफ्फार के राजा के घर भी बेटे का जन्म होता है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो बुरी शक्तियों का सेवक बनेगा, जिससे इंसानियत की रक्षा करने के लिए राजा खुद नजूमी को अपने बेटे को मारने का आदेश देता है। लेकिन नजूमी चोरी छुपे खुद शैतान शक्ति का उपासक है, इसीलिए वो खुद के दिल की जगह खरगोश का दिल जला देता है। बाद में वो बच्चा दज्जाल बन नजूमी से शैतानी शक्ति हासिल कर वापिस आता है, और अपने पिता को मारकर खुद राजा बन जाता है। और अब उसे दुनिया में शैतानी शक्ति फैलाने के लिए दुर्गापुर की राजकुमारी सुनैना से विवाह करना होता है, वो भी उसकी मर्जी से, जिसके लिए दज्जाल और सुनैना के भाई में लड़ाई होती है, और दज्जाल उसे पत्थर बना देता है, और शादी के लिए राजी करने के लिए वो 7 महीने का समय देता है।
उसके बाद सुनैना का प्रेमी राजकुमार विशाल हातिम से मदद मांगता है, जिसके लिए हातिम को 7 सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं, जिसमें हातिम की जादुई तलवार और होबो मदद करते हैं। तो इस कहानी का अंत कुछ इस तरह से होता है कि अंतिम यानी 7वें सवाल के जवाब के साथ ही हातिम को ये भी पता चलता है कि दज्जाल और हातिम दोनों की मौत एक दूसरे के हाथों से ही होगी। हातिम दज्जाल को खत्म करने के लिए खुद भी मरने को तैयार हो जाता है। फिर दोनों में लड़ाई होती है और दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन हातिम फरिश्तों की मदद से फिर से जिंदा हो जाता है। सुनैना का भाई ठीक हो जाता है और हातिम की शादी राजकुमारी जैस्मीन से हो जाती है। इस तरह कहानी 47 एपिसोड्स में पूरी हो जाती है, जिसका टेलीकास्ट 26 दिसंबर 2003 से 12 नवंबर 2004 तक सप्ताह में एक बार 1 घंटे होता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम हमारे चैनल पर ऐसे ही दूसरे सीरियल्स पर भी वीडियो लाने वाले हैं, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।